तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DD ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में एक टर्म आता है मोर्टार, उस मोर्टार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कहने के लिए तो हम लोग सिविल के साइट पे इस मोर्टार को कुछ और ही कहते हैं, लेकिन जो हमारा टेक्निकल टर्म है, जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग के टर्म में बोला जाता है मोर्टार, वो किसको कहते हैं, वो क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, ठीक है, और उसका क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ये सब हम लोग इसमें जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए कि क्या है मोर्टार, कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या क्या इसका बेनिफिट्स है, और मतलब जो भी इसके बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सारा मिलेगा इसमें। एक बेसिक चीज़ आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर कोई हम मोर्टार बनाते हैं, मोर्टार मतलब मसाला, हिंदी में और लोकल लैंग्वेज में मसाला बोला जाता है, सिविल के साइड पे बोलता है मसाला बना दो, 1-6 का मसाला बना दो, 1-7 का, 1-10 का, 1-3 का, ये क्या बोलता है, ये मसाला क्या है, इसको टेक्निकल में मतलब सिविल इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे या फिर आर्किटेक्ट्स के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ये आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसे ही मोर्टार कहते हैं, जिसको हम लोग साइट पे मसाला बोलते हैं, ठीक। अब ये क्या होता है, सीमेंट और सैंड का मिक्सचर होता है। मोर्टार क्या है, सीमेंट और सैंड का मिक्सचर। उसमें 1:6, जैसे कि लोकल में मिस्त्री लोग कहते हैं कि 1:6 का मसाला बना दो, इट मीन्स कि आप बाय वॉल्यूम अगर मेजर करते हैं तो 1:6 का मतलब होता है कि अगर 1 kg या 1 मग कुछ भी मेजर करने के लिए जो भी आपके पास साइट पे अवेलेबल है, आप उससे मतलब रफली आप मेजर कर सकते हैं। अगर आप 1 मग सीमेंट डाल रहे हैं तो उसमें 6 मग आपको सैंड डालना पड़ेगा। उसी तरह से जिस तरह से सिविल इंजीनियरिंग में ये बोला जाता है रेशियो 1:6, 1:5, 1:3, इट मीन्स ये होता है कि अगर 1 बैग सीमेंट दे रहे हैं तो उसमें 3 3 बैग्स आपको सैंड देने हैं, इस तरह से, ठीक है। तो जो भी वॉल्यूम है, 1 kg सीमेंट में 3 kg सैंड, 1 kg जो भी रहेगा मेजरमेंट करने का वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। और इसमें कैलकुलेशंस भी होते हैं कभी कभी, बैचिंग, वो मेनली कंक्रीट के केस में होते हैं कि उसमें डिज़ाइन मिक्स के थ्रू अगर बनाया जाता है तो उसमें कैलकुलेशंस होते हैं, उसमें केजी में कैलकुलेट करना पड़ता है आपको कि सीमेंट का वेट क्या होगा और सैंड का वेट क्या होगा, एग्रीगेट का वेट क्या होगा। मोर्टार और कंक्रीट दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें डिफरेंस है कि मोर्टार में सिर्फ और सिर्फ सैंड और सीमेंट होता है, एग्रीगेट में और कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट ऐड कर दो तो वो मोर्टार बन जाता, कंक्रीट बन जाता है। इस मोर्टार में अगर आप कोर्स एग्रीगेट ऐड कर दिए तो यही कंक्रीट कहलाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं मोर्टार क्या है, मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड वाटर। अगर आप किसी को भी, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग कोई डिप्लोमा या बीटेक में पढ़ाई कर रहे हैं और आपको ये सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, तो यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, ऐसे लिखेंगे 100% मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर मोर्टार है तो मोर्टार के लिए, हाँ, जो एग्ज़ाम में लिखेंगे उसको थोड़ा सा यहाँ अपने लैंग्वेज में चेंज कर दीजिएगा, ये हम शॉर्ट कर दिए हैं काफ़ी, ठीक है। तो मोर्टार क्या है, मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड वाटर, सीमेंट सैंड एंड वाटर, ठीक है। ये वाटर तो हम अभी कुछ देर पहले वाटर को ऐड नहीं कर रहे थे, ठीक है। ये नॉन फैक्ट है कि जब सीमेंट सैंड का मिक्सचर होगा और मोर्टार बनाया जाएगा तो उसमें वाटर का आना कंपलसरी है, विदाउट वाटर ये मिक्स हो ही नहीं पाएगा, मिक्स हो जाएगा मतलब मोर्टार नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो सिमिलर, ये सिमिलर है कंक्रीट के, बट इसमें कोर्स एग्रीगेट नहीं होता है। यूज्ड फॉर फिलिंग जॉइंट्स एज बाइंडर इन स्टोन और ब्रिक मशीनरी। अब इसको हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, मोर्टार तो जनरली सबसे पहले आप अगर कोई पूछ दिया मोर्टार कहाँ यूज़ करते हैं तो आप तुरंत फटाक से एकदम जवाब देंगे कि ब्रिक वर्क या स्टोन मशीनरी में। तो स्टोन मशीनरी और ब्रिक वर्क क्या है कि सपोज इसमें फिलिंग मटेरियल, फिलिंग जॉइंट्स, जैसे ये कुछ आप इस तरह से ब्रिक वर्क ले लीजिए, ठीक है।
तो जो इन दो ब्रिक्स के ये ब्रिक वन और ब्रिक टू, ये ब्रिक दो वन और टू और थ्री को ज्वाइंट करने के लिए जो बीच में जो आप मोटार फील करते हैं सैंड और सीमेंट भर के, उसे ही क्या कहते हैं, मोटार कहते हैं। और यही ज्वाइंट को फील करने में हेल्प करता है, मतलब एक ईंट से दूसरे ईंट को जोड़ने में मदद करता है। अगर यही मोटार नहीं रहेगा तो आपका ब्रिक वर्क नहीं होगा, ब्रिक मशीनरी और ना स्टोन मशीनरी होगा। कहीं कहीं अब पहले बहुत प्रैक्टिस होता था स्टोन मशीनरी, अभी बहुत कम हो गया है। बहुत जगह अभी भी हो रहा है, जो अगर जो कुआं अगर गांव में बांध कुआं में जब ब्रिक मशीनरी होता है अभी, लेकिन ये स्टोन मशीनरी बहुत जगह अभी भी कुआं में चल रहा है। उससे क्या होता है कि स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है ब्रिक मशीनरी के कंपैरिजन में, ब्रिक वर्क के कंपैरिजन में। अब इसको मोटार को तीन चार तरीके से क्लासिफाई किया गया है, मतलब उसका टाइप्स क्या क्या हो सकता है। बल्क डेंसिटी, ये डेंसिटी पे बेस्ड है कि डेंसिटी पे बेस्ड है, अगर ये मतलब डेंसिटी पे बेस्ड है तो उसको बल्क डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कहते हैं। काइंड ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, आपको बाइंडिंग मटेरियल का देखना होगा, उसका नेचर क्या है, क्या चीज़ में हम अप्लाई कर रहे हैं, ब्रिक मशीनरी में, ब्रिक मशीनरी या फिर ब्रिक वर्क में कर रहे हैं, या प्लास्टर वर्क में कर रहे हैं, या फिर स्टोन मशीनरी में कर रहे हैं, किस काम के लिए हम मोटार बना रहे हैं, वो उस पर भी डिपेंड करता है। ये नेचर ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने का भी तरीका होता है, तो ये सब आगे बताएंगे। अप्लाई करने का, अभी अप्लाई करने का बताने लगेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। स्पेशल मोटार, कभी कभी स्पेशल मोटार बनाया जाता है, कहीं क्रैक्स वगैरह आ गया, ठीक है, कहीं कुछ डैमेज हो गया स्ट्रक्चर में, तो उस केस में क्या होता है, कुछ केमिकल्स वगैरह भी यूज होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एडमिक्सचर, और उस तरह में स्पेशल मोटार बनता है। स्पेशल मोटार स्पेशल कोई डैमेज के लिए, रिपेयर करने के लिए, या फिर कहीं आप देखे होंगे डैम्पिंग हो जाता है वॉल्स में, तो वो सब केसेस में जो भी मोटार्स यूज होते हैं और उसको जो बनाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ मोटार, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड मोटार मिक्स एंड मोटार, ठीक है। तो एक अच्छे मोटार, मतलब अच्छा जो मसाला बनता है, उसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसका क्या विशेषता होना चाहिए, उस विशेषता को हम लोग पढ़ेंगे। तो जनरली कंक्रीट हो या मोटार, आपका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होता ही है, तो इसमें मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और वाटर रिटेंशन, ये तीन प्रॉपर्टी होना जरूरी है। ये मोबिलिटी मतलब क्या होता है हम इधर समझेंगे, और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है हम इधर समझेंगे, देन वाटर रिटेंशन मैं आपको खुद बता दूंगा, ठीक है। तो मोबिलिटी, मोबिलिटी जो है, ये टर्म मोबिलिटी क्या इंडिकेट करता है, किसी भी मोटार का कंसिस्टेंसी को इंडिकेट करता है आपका मोबिलिटी। अब ये कंसिस्टेंसी क्या है कि किसी भी मोटार में कितना वाटर का ज़रूरत पड़ता है, कितना पानी का ज़रूरत पड़ा उस मोटार को बनाने के लिए, उसी सब को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी। आप सीमेंट के केस में, बिल्डिंग मटेरियल के लैब में आप पढ़े होंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, मतलब उसमें आप ये पढ़े होंगे, जस्ट छोटा सा टॉपिक है कि आपको कितना पानी का ज़रूरत है किसी भी सीमेंट का पेस्ट को रेडी करने में, ठीक है। तो ठीक उसी तरह अगर आप मोटार बना रहे हैं, तो मोटार में सीमेंट और सैंड के मिक्स को एक पेस्ट बनाने में, एक अच्छे कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाने में कितना पानी का ज़रूरत होगा, उसके बारे में ये बताता है। अब जो देखते होंगे, जो मोटार होता है वो कभी कभी स्टीफ होता है, कभी कभी फ्लूड होता है, कभी कभी स्टीफ, कभी कभी फ्लूड। इसका कहने का मतलब ये है कि स्टीफ कहाँ यूज होता है, मतलब जो बोलता है ना मसाला बहुत टाइट है, आप लोग अगर कभी सिविल का साइट पे विजिट किए होंगे या गए होंगे तो आप देख सुने होंगे ये सब, कि मसाला बहुत टाइट बना दिया, इसमें थोड़ा पानी मिला। और फ्लूड का मतलब वो थोड़ा ज़्यादा गीला गीला हो गया, मतलब उसमें वाटर ज़्यादा हो गया, वाटर का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, जैसे अगर स्टीफ है या मीडियम है तो उसका यूज़ हम लोग ब्रिक मशीनरी वगैरह में करते हैं, ब्रिक वर्क बोलिए या ब्रिक मशीनरी बोलिए, एक ही चीज़ है, ब्रिक वर्क या स्टोन मशीनरी वगैरह में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। और जो थोड़ा सा लूज होता है, लिक्विड टाइप का, उसको हम लोग, आप देखते होंगे फेसबुक में ये सब कुछ मिलेगा देखने के लिए, यूट्यूब में भी मिलेगा बहुत सारा, जो वेसल मतलब गमला वगैरह बनाया जाता है पौधों के लिए, तो उसमें जो
मोटर यूज होता है वो बहुत ही फ्लूड टाइप का होता है, उसमें सीमेंट ज़्यादा डाला जाता है, ठीक है, और पानी भी ज़्यादा रहता है, तो उसमें आपका जो स्ट्रेंथ है वो ख़राब ना हो, इसके वजह से वाटर सीमेंट का रेशियो को बढ़ा करके बनाया जाता है इन कंपेयर टू सीमेंट। उसमें सीमेंट का मात्रा थोड़ा कम रखा जाता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब वो सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, टाइप्स क्लासिफिकेशन, तो उसमें हमने बोला था कि किस चीज़ में यूज़ करना है, नेचर ऑफ एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है, उसके ऊपर भी बेस्ड होता है मोटार, ठीक है। तो एप्लीकेशन अप्लाई मतलब अप्लाई कैसे करना है, जनरली हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं मोटार को, ट्रॉवल से, जिसको करनी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, तो हम लोग ट्रॉवल से अप्लाई करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ अगर आपको कोई वेसल मतलब गमला अगर कास्ट करना है, तो उसमें हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, वो डायरेक्टली आप मग से या फिर उसका जो भी मोल्ड होगा, मोल्ड में डायरेक्ट आप मग से डाल सकते हैं, उसमें ट्रॉवल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कैसे आप अप्लाई कर रहे हैं मोटार को। अब दूसरा चीज़ मोबिलिटी से क्या समझते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ मोटार। जैसे अभी हमने कहा कॉम्पोजिशन का, अगर आप नॉर्मल ब्रिक वर्क वगैरह के लिए करेंगे मोटार का फॉर्मेशन मतलब मोटार बनाएंगे, तो उसमें कॉम्पोजिशन जो होगा वो मतलब एक तरह से अलग होगा, और अगर वेसल कास्टिंग के लिए करेंगे तो अलग होगा। अब ब्रिक वर्क में कैसे अलग, ब्रिक वर्क में, प्लास्टर वर्क में और कास्टिंग में, ये तीनों चीज़ में अलग अलग होगा। जैसे कि ब्रिक वर्क में जनरली कितना चलता है, 1:5, 1:6 का रेशियो, प्लास्टर वर्क में 1:5 to 1:7 का रेशियो चल सकता है। लेकिन यही अगर आप वेसल बना रहे हैं, गमला कास्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ये रेशियो कोई मायने नहीं रखता, उसमें आपको कंपोजिशन देखना पड़ता है आपका और कंसिस्टेंसी देखना पड़ता है ताकि हार्ड बने। उसमें कोई आप सिर्फ उसमें मोल्ड में आपको डालना पड़ता है अपना मोटार, और इतना इजीली जितना इजीली आप ब्रिक वर्क में आप अप्लाई कर सकते हैं मोटार को, उतना इजीली उसमें नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं, तो वो आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तो वो पता चलेगा। फिर आता है मोटार मिक्स्ड फॉर मशीनरी वर्क आर मेड सफिशियंटली मोबाइल। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप मशीनरी वर्क मतलब ब्रिक वर्क या स्टोन वर्क में जो लगाने के लिए आप यूज करेंगे, सॉरी जो भी मोटार बनाएंगे उसको मोबाइल बनाना है, सफिशियंटली मोबाइल। मतलब कि अगर हम यहाँ से, अगर यहाँ हम सीमेंट मतलब मोटार बना रहे हैं, तो यहाँ से कम 10 मीटर 20 मीटर तक हम डिस्टेंस तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ ब्रिक वर्क हो रहा होता है एग्जैक्ट वहीं पे ब्रिक, जहाँ पे ब्रिक वर्क हो रहा होता है एग्जैक्ट वहीं पे मोटार नहीं बनता है। कभी कभी आपको 10 मीटर के जगह पे 100 मीटर भी ट्रेवल करना पड़ सकता है, ठीक है, 100 मीटर तो बहुत कम ही चांस होता है, लेकिन फिर भी आपको 10 to 15 मीटर तक समाउ 30 मीटर भी आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है। तो उस केस में आपका मोटार अगर जितना मोबाइल होगा, उसमें जितना मोबिलिटी होगा, उतने अच्छे से आप जहाँ मोटार बना रहे हैं वहाँ से वहाँ प्लेस करने के जगह तक इजीली पहुँचा सकते हैं। अब मोबाइल होने का मतलब ये भी है कि इसको आसानी से यहाँ से हम वहाँ तक ले जा सकें, कैरी करें, ठीक है, ताकि जो भी हमारा यूज़ करना है, जो भी यूज़ के लिए हम बनाए मोटार, वो हमारा हो सके। अब दूसरा आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है, एक तो जो कैसे बनाना था, क्या बनाना था, वो सब हम लोग समझ गए, ठीक है। अब आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उसको अप्लाई करना, रखना है। अब ऐसे ही कहीं रख देंगे मोटार को तो वो हमारे काम का नहीं है ना। अगर ब्रिक वर्क में रखना है तो उसका अलग फॉर्मेट है, स्टोन वर्क में रखना है तो उसका अलग फॉर्मेट है, प्लास्टर वर्क में रखना है तो अलग है, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें है, इट शुड बी सच दैट, मतलब जो प्लेसिबिलिटी होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप कर जाए, जहाँ भी सरफेस में अप्लाई करे वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जनरेट करे, डेवलप करे, वो होना चाहिए हमारा प्लेसिबिलिटी। अब आता है आपका थर्ड में वाटर रिटेंशन। ये वाटर रिटेंशन क्या है, जो कंसिस्टेंसी आप समझे उसी का ये पार्ट है कि कितना पानी को वो रिटेन कर रहा है। अगर इसमें आप अधिक पानी दे दीजिएगा तो ये रिटेन करना बंद कर देगा। जैसे कि जो सैंड है, जो सीमेंट है, उसका एक वाटर रिटेंशन का कैपेसिटी होता है,
जितना वाटर उसको रिक्वायर्ड है, जितना उसके कंसिस्टेंसी है, उस कंसिस्टेंसी से आप ओवर जाएंगे तो वाटर रिटेंशन उसका लूज हो जाएगा। इट मीन्स ये कि जिसको जितना ज़रूरत है उतना ही खाना वो खाता है, उससे ज़्यादा खाने से दिक्कत होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, वाटर रिटेंशन। वाटर सीमेंट रेशियो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हम आपके मोर्टार कंक्रीट ये सब में। वाटर और सीमेंट के रेशियो पे बहुत सारा स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ जो है आपका वो बढ़ता और घटता है, वर्केबिलिटी भी बढ़ता और घटता है। तो वाटर रिटेंशन मतलब पानी भी आपको एक लिमिट में देना है, और आप जो मोटार बना रहे हैं वो वाटर रिटेन करने वाला हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप पानी डालें और वो रिटेन नहीं कर रहा, वो ड्रेन कर दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग इस पे देखेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। यूज़ क्या है, मोटार तो बना लिए, मोटार कैसे में क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए वो सब तो देख लिए, अब इसका यूज़ क्या है, इसमें सैंड का यूज़ क्या है, इसमें सीमेंट का यूज़ क्या है। हम लोग सीमेंट और सैंड को ही मिक्स करके क्यों बनाते हैं, हम लोग सीमेंट और सॉइल को क्यों नहीं मिक्स करते हैं, ठीक है, या फिर सैंड और सॉइल को मिक्स क्यों मिक्स करके क्यों नहीं बना लेते मोटार, तो इन सब चीज़ों पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो आप देखते हैं यूज़ ऑफ मोटार, मोटार का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। बेसिकली हम लोग जानते ही हैं कि मोटार मतलब मसाला का यूज़ कहाँ करते हैं, क्यों किस काम में करते हैं, लेकिन फिर भी एक बार सीख लेते हैं, जान लेते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए। ठीक है, तो चलिए, यूज़ ऑफ मोटार, जो मोटार होता है वो टू बाइंड द बिल्डिंग यूनिट्स दैट इज़ ब्रिक स्टोन्स, ये तो आप लोग जानते ही थे, ईंटों को जोड़ने में इसका यूज़ करते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है टू कैरी आउट पॉइंटिंग एंड प्लास्टर वर्क। प्लास्टर वर्क, प्लास्टर वर्क एक तरह से होता है कवर करना, जो ब्रिक वर्क है आपका, ब्रिक मशीनरी किया हुआ है उस पर कवर चढ़ाना, जैसे आप लोग कॉपी और बुक पे अपना कवर चढ़ाते हैं, ठीक बिल्डिंग्स पे कवर चढ़ाना। लेकिन आजकल एक और कवर आ गया है, जैसे आप लोग भी थोड़ा मॉडिफाई हो गए, पहले कवर लगाते थे तो पेपर का कवर लगा देते थे, उसके बाद क्या आया, कवर विथ प्लास्टिक, तो अब प्लास्टिक आ गया मतलब पेंट आ गया, प्लास्टिक पेंट, इमल्सन प्लास्टिक पेंट, एक्सटीरियर पेंट, तरह तरह के पेंट। ठीक है, तो सब बात की बात है, यहाँ चलिए तो समझते हैं। और मोटार का यूज़ और कहाँ होता है, सॉफ्ट बेडिंग लेयर को तैयार करने में। अब प्लास्टर, जैसे कि जो भी हमारा जो ब्रिक वर्क या स्टोन मशीनरी वर्क होता है, ये सब इसका टेक्सचर जो होता है वो रफ होता है। आप कहीं भी ब्रिक वर्क को चेक करेंगे, वॉल को चेक करेंगे, तो एक साइड से आपको थोड़ा सा इवन मिलेगा, लेकिन दूसरे साइड से अनइवन मिलेगा। कोई ब्रिक ज़्यादा निकला हुआ है, कोई थोड़ा धंसा हुआ है, थोड़ा कोई टेपर है, ये आपको देखने को मिलेगा, एक साइड से यूनिफॉर्म और दूसरे साइड से नॉन यूनिफॉर्म, इवन और नॉन इवन। ठीक है, तो उसी को कवर करने और उसी को स्मूथ बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। मतलब क्या क्या चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ एक पॉइंट बोलेंगे कि ब्रिक और स्टोन को जोड़ने में, तो सिर्फ उतना ही काम तो नहीं है ना, उतना से काम नहीं चलेगा एग्ज़ाम में ना, एसएससी जेई हो या फिर आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, उतने से काम नहीं चलेगा, तीन चार पॉइंट्स तो आपको लिखने पड़ेंगे। तो अगर तीन चार पॉइंट्स लिखने के लिए रेडी हैं तो यहाँ पे समझने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू फॉर्म जॉइंट्स ऑफ पाइप, अभी के टाइम में क्या है कि पाइप मतलब जो आपका प्लम्बिंग होता है, प्लम्बिंग वर्क जो होता है वो साथों साथ होता है, अंडर मतलब वाल में ही लगा दिया जाता है, तो उसको भी कवर करने के लिए प्लास्टर वर्क मतलब मोटार का यूज होता है। टू हाइड द ओपन जॉइंट्स ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, सेम चीज़ है जो ऊपर लिखा हुआ था, उसी को लैंग्वेज चेंज करके हमने लिख दिया। दूसरा है टू इम्प्रूव द जनरल अपीयरेंस ऑफ स्ट्रक्चर। देखिएगा, किसी का घर प्लास्टर किया होगा, कलर किया होगा, और किसी का सिर्फ ब्रिक वर्क किया होगा, उसमें प्लास्टर नहीं होगा। आप ज़्यादा पसंद करेंगे किसको, जिसमें प्लास्टर वर्क किया हुआ है, कलर किया हुआ है, अट्रैक्टिव दिखता है। तो अट्रैक्टिव दिखने में भी, बिल्डिंग्स को अट्रैक्टिव दिखने में भी ये मोटार हेल्प करता है। ठीक है, अब इसमें सीमेंट सैंड का क्या फंक्शन है ये हम लोग जानेंगे।
सेंड का फंक्शन क्या है, इस सेंड जो है कॉस्ट रिड्यूस, एक लगेगा ये कॉस्ट रिड्यूस क्या है, मतलब अगर आप सिर्फ सीमेंट को सान करके, सीमेंट का पेस्ट बना करके अगर आप अप्लाई करते हैं ब्रिक्स को जोड़ने में या प्लास्टर वर्क में, तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि एक बैग सीमेंट का 350 to 400 का आता है, ठीक है। और अगर एक बैग सीमेंट से, जितना हम एक बैग सीमेंट और तीन बैग सैंड से जितना हम लोग वर्क कर सकते हैं, उसके कंपेयर में वन बैग सीमेंट में हम बहुत कम काम कर सकते हैं। सीमेंट जो है वो श्रिंक हो जाता है, लेकिन उसमें अगर सैंड मिला देते हैं तो वो श्रिंकेज को कम कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा कॉस्ट कम हो जाता है। और कॉस्ट कम कैसे होता है कि अगर हम सैंड 1 kg सैंड लें और 1 kg सीमेंट लें, तो देखिएगा आप सीमेंट में जब पानी मिलाइएगा तो वो श्रिंक होकर के छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन अगर सैंड में पानी मिलाइएगा तो वो बहुत कम रिड्यूस होता है। तो अगर दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमारा जो मटेरियल तैयार होगा वो 1 kg सैंड प्लस 1 kg ये मिल करके 1.5 kg तक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ सैंड मिलाएंगे तो वो 1/2 kg का रहेगा। तो ये हुआ ना फैक्टर कॉस्ट रिड्यूसिंग का, मटेरियल ज़्यादा बनता है, ठीक है। फिर होता है सेटिंग। सेटिंग मतलब जो सेट करता है वो सिर्फ और सिर्फ आप सीमेंट यूज़ कीजिएगा तो उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ और उतना ज़्यादा सेटिंग नहीं होगा जिस तरह से सीमेंट के, सीमेंट और सैंड में होगा। श्रिंकेज जो आपको अभी बताया कि श्रिंकेज उसमें कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, यहाँ तो अवॉइडेड हमने लिख दिया है, लेकिन अवॉइड नहीं होता है, कम होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ इज इम्पार्टेड बिकॉज ऑफ सैंड, स्ट्रेंथ भी होता है। सिर्फ सीमेंट डालने से आपका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा नहीं आएगा। सिर्फ सीमेंट से आप कुछ भी करेंगे ब्रिक वर्क वगैरह, तो उसमें जब जोर से फोर्स लगाएंगे वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक डाउन, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल क्या, आप चेक कर सकते हैं, कॉलेज में जाइए या कहीं भी लैब में जाइए जहाँ पे कंसिस्टेंसी टेस्ट हो रहा हो सीमेंट का, उसका एक छोटा छोटा सा ब्लॉक मिलेगा आपको, ठीक है। उसमें वन एंड ओनली सीमेंट रहता है, उस ब्लॉक को आप, वो एक लाइट वेट का रहता है, इतने हाइट से गिराइएगा या फिर ऐसे जोर से गिरा दीजिएगा तो टूट जाएगा। लेकिन उसी ब्लॉक में अगर आप सीमेंट मिला, सैंड मिला दीजिएगा और उसी ब्लॉक को आप इतने हाइट से भी गिराइएगा सेट होने के बाद, तो वो नहीं टूटेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन है सीमेंट के साथ सैंड का, कि वो उसमें स्ट्रेंथ लाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आप जो मोटार बनाइएगा, ठीक है, जो भी रेशियो का मोटार बनेगा, मोटार तो बन गया, अब आप चेक कैसे करेंगे कि जो हमने मोटार बनाया वो अच्छा है या गुड क्वालिटी का है या नहीं। हमने तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया, क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, मोबिलिटी होना चाहिए, प्लेसिबिलिटी होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आपके मोटार में है या नहीं है। एडहेसिव होना चाहिए, एडहेसिव मतलब कि बॉन्ड बनाना चाहिए जो भी आपका बिल्डिंग मटेरियल है उसके साथ। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ है या नहीं है, एडहेसिव प्रॉपर्टी है कि नहीं, कितना स्ट्रेंथ है, कितना टेंसाइल है, कितना क्रशिंग होगा, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।